हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये खीर को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज खीर की रेसिपी शेयर होने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं बनाना। उसके चलिए जो हमें पहले जाना पड़ेगा अपने किचन में, तो चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए तो खीर की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चावल जो है भिगो के अच्छे से धो लिया है। दो तीन बार इसको जो था मैंने धो लिया था, और इस कटोरी के हाफ कटोरी से भी कम मैंने राइस लिया था। अब आप मुझे कुछ कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बड़ी बात जी ये है कि जिस तरह से हम खीर बनाएंगे, इस तरह से आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, और जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस खीर में जो आप नॉर्मली बनाते हैं और ये खीर जो हम बना रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है, वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। रेसिपी के देखते रहिए तो पता चलेगा, ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक दो बार बता चुकी हूँ कि खीर को हम बनाने के लिए हम जो दूध ले रखा है हमने, ये तो इसको हम जो है 3 लीटर मैंने दूध ले रखा है। 3 लीटर दूध को हम कड़ा के, 3 से 4 लीटर लेती हूँ मैं हमेशा, वैसे 3 से 4 लीटर दूध को हम कड़ा के जो है 1 लीटर दूध बनाएंगे, मतलब 1 लीटर जो हमारा पोर्शन हो जाएगा खीर का। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे मेरा वेसल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं ये घी डाल दूंगी, देसी घी, ये मैंने घर में ही बनाया है। तो चलिए इसको अब डाल देते हैं और आगे की प्रोसेस जो है तैयार करते हैं। तो राइस को इसमें मैंने डाल दिया है, और इसको हम जो है अच्छे से घी में 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे मुझे इस चावल को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे दूध। दूध आप हमेशा धीरे धीरे करके ही डालिए, एक साथ बहुत सारा मत डालिएगा, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि दूध उबल के जो है बाहर आ सकता है। उफान आपको पता ही है, उफान बाहर आ जाएगा तो सारा बाहर गिर जाएगा, इसलिए आप धीरे धीरे डालिए। और इसको अब धीमी आंच में पकने दीजिए, और कम से कम आपने इसको 1 से 1.5 घंटा पकाना है। तो चलिए मैं भी इसको अब पकने के लिए छोड़ देती हूँ। हमें इसी तरह से कम 1 से 1.5 घंटा उबालना है धीमी आंच में। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच में रखा है, इस वजह से इसमें एकदम खोल नहीं आ रहा है, बस ये धीरे धीरे इस तरह से बबल्स आएंगे, इसमें टपक बक टप होगा और फिर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताऊंगी आपको ताकि कोई गड़बड़ ना हो, रेसिपी ख़राब ना हो आप लोगों की, कि 1.5 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको धीमी आँच में इसी तरह से दूध को और चावल को पकाते हुए बिल्कुल आराम से बनाना है, तभी जो है आपका खीर स्वाद बनेगा, टेस्टी बनेगा, इसका असली टेस्ट तभी आएगा। तो आइए चलिए डालते हैं अब अपनी खीर में शुगर और इलायची। इलायची जो है मैंने इसमें पाउडर बना के पहले से ही शुगर में मिक्स कर दिया है, इससे क्या होगा, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और इस तरह से इलायची जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा माउथ में। तो चलिए अब हम अपने हमारे खीर में शुगर डाल देते हैं। शुगर आप अपने अंदाज से, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हम लोग थोड़ा लाइट शुगर खाते हैं तो मैं कम ही डालूंगी, अपनी वाली तो मैं पहले ही बिना शुगर के निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद हम ये एंड में डालेंगे, मतलब कि ये डालने के बाद हम अपना गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए तो इसे डालते हैं। तो खीर हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए से इसे हम जो है अभी नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितना बज रहा है, अभी टाइम हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 11 o'clock टाइम हो रहा है, यानी कि मैंने इसको खीर को रात को जो है 8:30 में मैंने इसको स्टार्ट किया था बनाना, और अब आप देख सकते हैं कि टाइम 11 o'clock हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें खीर बनाने में कितना टाइम लगा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इतने ही टाइम लगा के आराम से बनाइएगा और ठंडा करके खाइएगा। अभी तो काफ़ी रात हो चुकी है तो मैं इन लोगों को अभी नहीं दूंगी, कल जब ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे। आपकी वैसे इच्छा है, अगर आप इसे हल्का गुनगुना गर्म खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, पर फिर से मैं यही कहूँगी कि बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे ठंडा करके ही खाएँ। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय। तो लीजिए रेडी हो चुकी है हमारी खीर, और मैंने सर्व कर दिया है। तो अब आप लोग भी इस तरह से ज़रूर खीर बनाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इस तरह से जब खीर बनाया तो आप लोगों को कितने अच्छे कमेंट्स मिले। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बना के, और आप देखिए कि कलर भी बिल्कुल जो है खीर का हमारा बहुत ही सुंदर आ रहा है, और खा के भी बहुत ही ये टेस्टी लगेगा आप लोगों को। तो चलिए अब मैं इसके साथ ही आप लोग से विदा लेती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।